व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ईशा शर्मा। ईशा शर्मा, बताइए कि अगर कोई जो है वर्ब है जिसका नाम डाई है और डाई के साथ में अगर कोई मान लो मरता है, प्रीपोजिशन आपको जैसे लगाना हो, तो कोई बेड पे मर जाए, कहाँ पर? बेड पर। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? बेड के लिए लगेगा इनका प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। ओके, रानी मौर्य आप बताइए, प्रीपोज डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है ना, कहाँ कहाँ होता है? जब कोई दुख से मर जाए, सर्व से मर जाए, भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए। और अगर रोग हो तब? रोग से भी। ओके, रिया वर्मा, बाकी लोग बैठते रहें जिनसे पूछ लिया जाए। रिया वर्मा आप बताइए, अगर कोई लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में मर जाए, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन। क्या लगेगा? इन। इनका प्रयोग हुआ ना? यस सर। ओके, और अगर कोई लापरवाही से मर गया तब? थ्रो। ओके, मोनू आपको बताना है कि बाई का प्रयोग, डाई अगर मान लो कोई बंदा मरता है तो डाई के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाए कि जिससे आपको पता लगे कि यहाँ जो है उसका वो आत्महत्या उसका हो गया है? बाई का प्रयोग। तो बाई का प्रयोग और कहाँ करते हैं? आत्महत्या के लिए और हिंसा के लिए। हिंसा से अगर कोई मरता है आत्महत्या से, तो वहाँ क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, अजीत कुमार, राइट, अजीत कुमार निषाद, आप बताइए अगर फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है डाई के साथ तो फ्रॉम कब कब लगाया जाता है? जो है अधिक पीने से और विषैला भोज पदार्थ भी खाने से ना, और कब मरता है? और किसमें? घायल हो जाने पे। किस पे? घायल। तो अगर कोई घायल हो जा रहा है, फिर से पूरा बताइए। अधिक खाने से, अधिक पीने से, विषैला भोज पदार्थ खाने से और घायल होने से मर जाता आदमी ना। तो डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम का प्रयोग होता है ना। ओके, तो अब इसके बाद जो है अमन मौर्य आप बताइए जो है कि अगर मान लो आपका प्रीपोजिशन जो है डाई के साथ फार लगता है, तो फार का प्रयोग कब कब करते हैं? विश्वास के लिए और देश के लिए। तो जब कोई विश्वास, किसी विश्वास के कारण जो है अपना प्राण दे दे, मर जाए, तो वहां पर क्या लगेगा? फार का प्रयोग। और देश की सेवा करते करते, मतलब देश की सेवा के लिए मरता है तो भी फार लगता है। आप बताइए कि जो है इनका प्रयोग कब करते हैं डाई के साथ में? इनका प्रयोग कब करते हैं? कोई युद्ध के मैदान पर मरता है और बेड पर मरता है तो इनका प्रयोग करते हैं, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि क्लास में जो है सारे बच्चे बताए कि कौन सा प्रीपोजिशन कब लगता है, तो कुछ बच्चों से हम चाहेंगे कि वो जो हम पूछेंगे वो खड़े होके अपने स्थान पे बताएंगे, राइट, थोड़ा सा साउंड अच्छा रखेंगे। तो अगर मान लो कोई जो है लड़ते लड़ते मर जाए, तो कौन सा प्रीपोजिशन या क्या लगता है, कौन बताना चाहेंगे? खड़े हुई अमन मोर, तो अगर कोई लड़ते लड़ते मर जा रहा है तो वहां पर कौन सा डाई के साथ प्रीपोजिशन लगेगा? और उसके साथ और कोई शब्द जुड़ेगा इनके साथ? इन हार्नेस। क्या होगा? इन हार्नेस। ओके, सिट डाउन। और जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और वो जो है विश्वास के लिए, किसके लिए? ट्रस्ट के लिए, क्या हो जाए, मर जाए, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, कौन बताना चाहेगा? हाँ, देखो कितने स्मार्ट बच्चे हैं, दोनों एकदम रेडी है, वेरी गुड। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि ये जो है वीडियो जो है कन्वर्जेशन का है, जब अगर कोई मरता है तो कुछ कारण होते हैं, वहाँ हम प्रीपोजिशन का यूज करना आपको सिखा रहे हैं, कैसे हम यूज करते हैं। तो वीडियो को जो है आप मस्त देखिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल को अगर पसंद आएगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना और जो है शेयर जरूर करना। तो थैंक्स आप सभी को जो है इस वीडियो को देखने के लिए।